हेलो वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है अविनाश मुखर्जी, जिनको आप जानते हैं जगह के तौर पर, और कई सारे उन्होंने वैसे बहुत कमाल कमाल के सीरियल किए, लेकिन हमारे दिलों में वो जगह के रूप में छपे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग जी, थैंक यू सो मच। मतलब आप ये देखिए, कई सारे बॉलीवुड के लोगों से भी मिलता हूँ, और किरण कुमार कहें या ढेर सारे लोग, जो अपनी उस इमेज को लेके कि यार लोटिया पठान मेरे सर पे बैठा हुआ है, उतर नहीं रहा है, या ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी इमेज को, जो एक ब्रांडिंग हुआ, वैसे जगह बोले तो तुरंत याद आता है कि यार जगह। तो हाँ ये आप उसके बाद आपने बहुत बड़े बड़े और अच्छे सीरियल किए हैं, हाँ जी, लेकिन आइडेंटिटी में अभी जगह बना हुआ है, हाँ। इसको एंड कैसे आई देखते हैं थिंक आप? अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ये खराब चीज है या अच्छी चीज नहीं है, बट मैं हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव साइड को देखता हूँ। और बच्चन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, बट आज भी वो विजय के नाम से जाने जाते हैं, विजय जो उनका किरदार है। और शाहरुख ने भी बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं, बट राज या राहुल वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। सही। सो मैं ऑफ कोर्स वो स्टेचर तो अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, कोशिश चल रही है, बट जो लोगों के दिल में जो जग्या का जो प्यार है, लोग मुझे अविनाश मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, बट जब सामने आते हैं तो बोलते हैं कि हम अविनाश को जानते हैं बट आपको जग्या बुलाएंगे। सो वो एक आई थिंक वो एक कनेक्शन है। मतलब ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि यार अपना लड़का, ये तो बच्चा बड़ा हो गया है यार, है ना, तो हाँ आप एक इतने हाउसहोल्ड और इतने अपने हो कि इतना कनेक्ट है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब जैसे आप समझिए, लोग मुझसे जब मैं आगरा में यहाँ शूट भी कर रहा हूँ, जब आके मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तो मतलब ऐसे ट्रीट कर, मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम आपको जानते नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको तो 10 साल से जानते हैं हम, इनको तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मतलब घर का ही रिश्ता है। मतलब आप कैसे पूछे कैसे हैं आप, जैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। वो आई थिंक ये एक मैजिक है, एक मेक बिलीव है, हम हमारे मीडियम का, हमारे माध्यम का, और इसलिए इतना खूबसूरत लगता है मुझे ये, इसलिए कभी थकान नहीं होती, कभी नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि काम करते रहें। तो ये तो बात रही बालिका वधू और जगह की, मतलब मेरे जैसा आदमी जो जर्नलिस्ट है, पता है इंटरव्यू करने बैठा हूँ, तब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तो आम फैंस का तो वही होता होगा। लेकिन अविनाश, मतलब तो इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में आपको, और अच्छे बड़े बड़े सीरियल आपने किए, किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हैं, क्या कहेंगे इस जर्नी को? जर्नी आई थिंक मैजिकल है। मैं कभी भी ऐसा, मैं के कभी पीछे देख कर सोचता नहीं हूँ कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये सब मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं हमेशा प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूँ। प्रेजेंट में भी आज के दिन में जो अगला शॉट है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी जिंदगी में। तो जो अगला शॉट है, मेरी कोशिश ये रहती है कि भले ही मतलब थोड़ा एक्सट्रीम में कहना चाहता हूँ, बट सच्ची मुझे ऐसा फील होता है, भले मेरी जान चली जाए बट वो शॉर्ट करेक्ट मिल जाए ना, तो मैं खुशी खुशी मरूंगा। क्या बात। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, और अगर उससे ऑडियंस जुड़े, अगर उनके चेहरे पे एक हंसी आए, स्पेशली आज के टाइम में, अगर वो जैसे 26 अप्रैल से मैं आ रहा हूँ 6:30 से 7 बजे के, वो आधे घंटे के बीच अगर वो भले ही 5 मिनट के लिए भूल जाए कि उनके जिंदगियों में क्या परेशानी चल रही है या बाहर दुनिया में क्या परेशानी चल रही है, तो आई थिंक उससे ज्यादा एज अ आर्टिस्ट आप यू हैव डन योर वर्क। और यकीन मानिए कि ये आर्टिस्ट की ये जो ऑनेस्टी होती है ना, वो स्क्रीन पे नजर आती है, कि हर शॉट में जी नजर आती है कि यार आर्ट ये कमाल है, ये दिल तक हाँ जी हाँ पहुंचता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरे 50,000 हमें आज तक याद है। वो क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिस्ट का वो एक था, वो पैशन था, कि भले ही मुझे 3 शब्द हैं
बट जो सूर्य देख के निकलेगा उसे याद रहेगा कि पहाड़ पे बिल्कुल चढ़ के किसने बोला था पूरे 50,000। सही बात कही। तो अभी अब ससुराल सिमर का ऐसे आइकॉनिक शो है, लोग उसकी तरफ वैसे ही उम्मीदें बहुत ज्यादा है, मतलब एक कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता ही, क्योंकि उम्मीदें कुछ ज्यादा ही है। मतलब ससुराल सिमर का बोले तो टॉप रेटिंग शो था, और अब जी उसका पार्ट टू आ रहा है, तो एक कहीं प्रेशर लग रहा है। नहीं पराजी, प्रेशर तो नहीं लगता, मैं प्रेशर में लेता नहीं हूँ और ना ही कभी लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जो छोटी सिमर भी है, राधिका, जो मेरे भाई भी हैं, करण शर्मा जो बने हैं, विवान ओसवाल, उनसे मैं भी कहता रहता हूँ कि कंपैरिजन, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, ये सब दिमाग से होता है, बट ऑडियंस जो आधा घंटा देखती है वो दिल से देखती है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर वो ऑनेस्टी है, वो दिल से वो फीलिंग है अच्छी कहानी के साथ, तो वो दिल तक ही पहुंचेगी। और दिल से ना कंपैरिजन होता है ना प्रेशर होता है, दिल से बस एक्सेप्टेंस होता है, अपनापन आता है, प्यार क्या आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब इसमें क्या हम नया देखने वाले हैं ससुराल सिमर का, जो हमने देखा, और जो अब, क्योंकि हालांकि वो सुपरहिट सीरियल रहा, लेकिन वक्त बीच में तेजी से बढ़ा है, और कंटेंट के लेवल पे ऑडियंस की समझ भी तेजी से बढ़ी। सो करें क्या हम देखने जा रहे हैं? जैसे, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत फर्क आ चुका है टेलीविजन में पिछले 10 सालों में, हर साल वक्त बदला गया है, बदलता गया है। और अभी इस वक्त अगर ससुराल सिमर का 2 देखें तो ऑडियंस को वो रियलिज्म नजर आएगी, वो कहानी में वो एक हर कैरेक्टर की एक ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, सब रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। जैसे 2 फैमिली की कहानी है कि एक सिमर की फैमिली है जो एक मिडिल क्लास नॉर्मल आगरा की फैमिली है, और एक गीतांजलि देवी की फैमिली है जो आगरा के सबसे रईस खानदानी परिवार है, और उनके पेठी का बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। और आरव और विवान जो 2 पोते हैं, जो चिराग हैं, वो अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हैं बिजनेस की। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और लोगों को नयापन तो देखने को मिलेगा ही क्योंकि सारे एक्टर्स नए हैं, बट वो जो आत्मा है, वो जो सोल है, वो सेम है, प्लस रियलिज्म प्लस और ससुराल सिमर का 2 है, तो ये मैं सबसे कह रहा हूँ कि वो एक्सटेंशन नहीं है। हम भी रोज ये डिस्कस करते हैं कि हम इसको डबल कैसे करें, कि ये 2x2 है, तो डबल ड्रामा, डबल इमोशंस, डबल प्यार, डबल टकरार, और ताजमहल की कहानी है। सो ऑफ कोर्स, और जो किरदार भी है आरव ओसवाल का, वो बिजनेस से बड़ा जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसे बड़ी माँ का नाम रोशन करना है, उन्होंने जो खून पसीना एक करके जो अपनी जो जो परिवार बनाया है, जो खानदान बनाया है, उसको और आगे ले जाना है। और प्यार मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, बट वो जब प्यार करेगा तब अफसाने लिखे जाएंगे। वरना आदमी थे हम भी काम के, इश्क ने यार तो हाँ, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया गालिब। क्या ये आरव का किरदार बनाया कैसे आपने? क्या इसको कैरेक्टर गढ़ने में आपने ध्यान रखा है? क्या क्या चीजें आपके जहन में है? देखिए, मैंने हमेशा ये देखा है कि या तो लोग जो रूटेड रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत बार होता है एज एन एक्टर हम जब कोई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं वो शायद कभी नजर नहीं आता, बट वो एज एन ओवरऑल आपको दिखता है अच्छा, बट वो जो उसमें जो बारीकियां लगी हैं, जो रातें जो वर्क हुई हैं, वो कभी नजर नहीं आती। तो उसकी एक छोटी सी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया अपनी जिंदगी में कि जो बाहर से पढ़ के आते हैं, जो फैमिली बिजनेस के जो बच्चे होते हैं, वो पूरा वहां पे ढल जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे जो भी होता है, जैसा भी होता है, गलत होता है, क्योंकि वो इतना उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, इतने थ्योरीज उनको ऐसे सिखाए जाते हैं कि उनको लगता है भाई करेक्ट है तो वही स्टाइल करेक्ट है, ये स्टाइल करेक्ट नहीं है।
हम जो या तो यहाँ पे ऐसा होता है कि उनको वहां को कुछ मालूम ही नहीं है, उनका लगता है कि यहाँ जो होता रहा है वो करेक्ट है। तो ये दोनों वर्ल्ड का अमेलगमेशन बहुत कम लोगों में होता है, और वो मैंने परफेक्ट अमेलगमेशन आज तक देखा नहीं है। तो मैं जैसा देखना चाहूंगा वो अमेलगमेशन, वो मैंने आरव ओसवाल को बनाया है कि वो बाहर से पढ़ के भी आए हैं, वो एक्सपोजर भी है उनका, बट वो डीप रूटेड भी है। उनको मालूम है कि बाहर जो चीजें जो सिखाई जाती हैं उसको यहाँ के कल्चर में मिक्स करके कैसे उसको हम कर सकते हैं। जैसे बाहर सेल करते हो, बट गुजराती हमारे मारवाड़ियों से अच्छा बिजनेस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल सही। सो वही अमेलगमेशन इज एक छोटा सा उदाहरण है उस चीज का। ये बड़ी मतलब हम भारत के माता पिताओं की पूरी एक ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। ओशो बहुत सही बात कहते थे कि पुराने समय में पिताजी पिता सुनार है तो बेटा सुनार होता था, अब पिता सुनार है तो हाँ बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन पिता की ये उम्मीद होती है कि बेटा उसकी हर बात सुन ले। हाँ करेक्ट। तो कैसे हाँ तो संभव इस है? दोनों की पर्सपेक्टिव अलग है ना, दोनों का नजरिया अलग है, दोनों को दुनिया का देखने का नजरिया अलग है। और मतलब वापस मैं सीरियल पे लौटता हूँ कि मतलब ये हाँ बहुत जी अच्छी बात आपने की कि एज एन एक्टर हमेशा ये कहा जाता है कि यार टीवी में एक्टिंग नहीं होती, लेकिन अब वो लगातार वो प्रोस्पेक्टिव भी बदल रहा है और टीवी का एक्टर अपने स्क्रिप्ट पे अपने रोल पे बहुत मेहनत करता है और माइन्यूट काम करता है और जो काम करता है वो दिखता दिखता है 100%। है ना। सो हाँ जी आपको लगता है कि कंटेंट में भी जो जो ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट है वो भी बदल रहा है धीरे धीरे? यस यस यस। जैसा आपने जब पूछा नयापन के बारे में, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, शॉर्ट टेकिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो जो हम डेली शो 5 साल पहले देखते थे उस तरीका का नहीं है। बड़ा ही फास्ट पेस्ड, एनर्जेटिक ठहराव है, बट ठहराव वही है जहां होना चाहिए, जो सीन की डिमांड है। वरना बाकी जो जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो वैसे होने चाहिए जैसा होना चाहिए, जैसा लोग देखना पसंद करेंगे। सो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट में भी काफी चेंज हुआ है, और हम जो शूट कर रहे हैं, हम आई थिंक लगभग महीना भर से हम शूटिंग कर रहे हैं इस शो के लिए, और अभी तक जो हमने बनाने की कोशिश की है वो तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोग जब देखेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, और मुझे यकीन है कि पसंद जरूर आएगा। क्या बात है। चलते चलते मतलब ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग वहां शूट कर रहे हैं, कहीं डर है मन में, कहीं कुछ लगता है? आई डोंट थिंक सो। कलर्स की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के ये प्लान किया है कि हम एक्चुअली आउटडोर शेड्यूल के लिए आए थे आगरा, और तभी मुंबई में शूटिंग बंद हो गई। तो हम सब अभी शक्ति शो और ससुराल सिमर का हम एक ही होटल में हैं, और बहुत ही कुछ लोग कम लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग कम अंदर आते हैं, इनका काम है प्रोडक्शन के लोग, बाकी सब कास्ट एंड क्रू एक ही होटल में है। और अभी स्क्रिप्ट भी वैसी लिखी जा रही है जो हम अंदर ही शूट कर सकें, तो कोई ज्यादा बाहर नहीं जा रहा, जो अंदर है वो अंदर ही रहते हैं, और होटल के जो मैनेजमेंट है वो सैनिटाइजेशन अलग अलग जगह, उनका फ्रेश मास्क हमेशा अलग अलग स्पॉट्स में रहता है, किसी का टूट गया गिर गया तो वो मास्क कहीं से भी उठा सकते हैं, सैनिटाइजेशन के स्टैंड लगे हुए हैं हर जगह, और पूरे टाइम सिर्फ एक्टर्स ही हैं जो मास्क उतारते हैं, बाकी सब मास्क पहने रहते हैं। एंड आई थिंक नाउ, और यहाँ पे इट्स मच सेफर, क्योंकि आप बॉम्बे में क्या होता है, आप शूट करते हैं फिर आप घर जाते हैं फिर फिर से वापस आते हैं। सो यहाँ क्या है, आप उसी होटल में हैं, उसी जगह पे हैं, और यहाँ के जो हमारे हेल्पर्स भी हैं, मेरी स्टाफ भी है, बहुत ही स्वीट है, गर्म पानी हमेशा पिलाते रहते हैं, और काढ़ा वाड़ा देते रहते हैं, अभी भी ब्लैक कॉफी चल रही है यहाँ पे। होटल में जिम है, एक्टर्स शाम को जाके जिम भी करते हैं, क्या तो फिट रहते हैं।
चलते चलते आपको एक बड़ा रोमांटिक, मैंने इलाज अच्छा है ना दवाई है ना दवाई, इश्क तेरे टक्कर की। लेकिन मैंने शायरी की बात की है तो एक मैं भी सुनाना चाहूंगा, कल मैंने लिखी है, क्योंकि जी बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जो असली शायरी समझ पाए। सो ये देखिए, ये कल ही मैंने लिखा है रात को अरे शूट के वाह बाद। वाह वाह वाह, सुनाइए सो सुनाइए शांत। अर्ज किया है, मधोशी के आलम में एक खुशनुमा एहसास की कमी सी है, जमाने भर से तो डूब जाया करते थे, आज फिर उनके आंखों में वो क्यों गहराई की कमी सी है। क्या बात, वो राखों से इल्तिजा करते हैं कि कोई जली हुई धड़कन हमें भी सुना दे, सिर्फ एक तस्वीर को तुम्हारे छुपा के रखा है, सुना है ताजमहल में कमी सी है। ओहो तुम्हारे बातों को हर पहर बड़े गौर से सुनते हैं, तुम्हारे बातों को तुम्हारी हर बातों पहर को हर बड़े पहर बड़े गौर से गौर सुनते से सुनते हैं, हैं। कमबख्त बस उन बातों में तुम्हारे आवाज की कमी सी है। ओहो क्या बात है, वाह, थैंक मतलब इश्क की बीमारी लगी हुई है, लगे रहना चाहिए। तो यू। हाँ, ये इश्क नहीं आसान। चलिए, और अपना डूबे हुए ध्यान बस। रखिए, हाँ अपना जी, ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, और जब आपके शो का इंतजार है बड़ी बेसब्री से। और कितनी तारीख को कुछ चलते चलते अपने चाहने वालों से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। 26 तारीख से मैं आ रहा हूँ ससुराल सिमर का टू लेकर आप सबके घरों पे, शाम 6:30 बजे मंडे टू सैटरडे। सो प्लीज देखिएगा, हम दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं आगरा में आके ये अपने घरों से दूर रातों को जाग के कि हम आधे घंटे के लिए आपके पास आए, आपके सामने आए, एक अच्छी सी कहानी लेकर आए जो आप लोग को पसंद आए। सो प्लीज देखिएगा, फीडबैक दीजिए, और जितना प्यार दिया है आज तक उसकी बस उम्मीद है और आप लोग के आशीर्वाद। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ससुराल वन जितना सुपर हिट रहा उससे डबल सक्सेसफुल ससुराल सिमर का टूर है। आप थैंक अपना यू। ध्यान रखिए, भालो तिपो।